हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के कुछ एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं। डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स से लिए हैं, जो इनिशियल टॉपिक्स हैं। तो आइए सीखते हैं इनको। क्लास 11th इको एमसीक्यू शुरू के जो चैप्टर्स हैं उसके हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको मालूम है कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो तीन तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करती है। क्या क्या? हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस जो है वो टेक्निक की बात करता है कि प्रोडक्शन टेक्निक कैसा हो, लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो। व्हाट टू प्रोड्यूस जो है, व्हाट टू प्रोड्यूस ये आपको चॉइस ऑफ कमोडिटी के बारे में बात करता है कि कंज्यूमर गुड बनाना है चाहे कैपिटल नेचर का गुड बनाना है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है वो इस चीज को बताता है कि किस तरीके से नेशनल जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती क्यों है। ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए आती है कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, जिनका क्या अल्टरनेटिव यूज हो सकता है, और जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। इसकी वजह से ही चॉइस आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, स्कार्सिटी होती है। तो यहाँ पर एक्सेसिव इनकम जो है वो एक फैक्टर नहीं है। फिर बोल रहा है कि रिसोर्स का फीचर क्या है। तो रिसोर्स का फीचर क्या है, ये स्कार्स तो होती ही है और अल्टरनेटिव यूज भी होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि बोथ ए एंड बी, ये जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन थ्री। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज स्कार्सिटी अराइज। स्कार्सिटी यानी कमी, ये कब आएगी? तो स्कार्सिटी तब आती है जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर टू, जो सप्लाई है वो कम है डिमांड से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है? तो मैंने बताया है रिसोर्स आर स्केयर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यही तो कारण है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दीज द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर। जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है वो हर जगह सीमित है। कोई कंट्री बोलता है ना, अमेरिका में भी ये स्कार्सिटी है, कितना भी डेवलप्ड कंट्री है वहां पर भी ये स्कार्सिटी है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एग्जिस्ट। क्या बता रहा है? एट माइक्रो लेवल, एट मैक्रो लेवल, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, नन ऑफ दीज, भैया हर लेवल पे है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्ड स्टेटमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो चीजों को रखता है जो कि वेरीफाइबल है, जिनको कि आप स्टैटिस्टिकल डेटा से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये वेरीफाइबल होते हैं। अ स्टेटमेंट दैट डज नॉट ऑफर एनी सजेशन, जो कि कोई सजेशन नहीं ऑफर करता, तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। और अगर वो सजेशन ऑफर करता कि व्हाट इट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, क्या होने से बढ़िया होता, तो फिर वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट बन जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द, नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक्स वो ओपिनियन से डील करता है। सिंपल देखो, एक स्कूल के बाहर मैं गया पूछने के लिए, एक दुकान था उसमें मैंने पूछा, भैया सिगरेट बेचते हो? उसने कहा हाँ जी बेचता हूँ। मैंने कहा कितनी डिब्बियां बेचते हो? उसने बोला 10 डिब्बी तो निकल जाती है ना। ये क्या हुआ, ये उसने एक डेटा दिया। अब इस डेटा के बिहाफ पर जो है मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ, भैया ये स्कूल के बाहर है दुकान, ये 10 डब्बी बेच ले रहा है, ये खरीदने वाले कौन होंगे? स्कूल के बच्चे होंगे। अब ये बच्चे पिएंगे, बीमार पड़ेंगे, इनके इलाज पे खर्चा होगा, लंग्स का कैंसर हो जाएगा, दिस होगा, दैट होगा, है ना। तो क्या करना चाहिए कि भैया लूज में सिगरेट मत बेचो, 25 साल से कम उम्र के बच्चे को मत बेचो, और क्या कि स्कूल के अगल बगल में 200 मीटर तक ऐसा कोई भी सामान नहीं बिकेगा। आप स्टेशनरी की दुकान खोल लो, आप जूस का दुकान खोल लो, आप कुछ खाने का दुकान खोल लो, आप आइसक्रीम की रेहड़ी लगा लो, ठीक है वो चलेगा,
लेकिन आप सिगरेट गुटखा और ऐसी चीजें बेच रहे हो तो वो नहीं चलेगा। तो क्या ये नहीं होना चाहिए? तो जब मैं ऐसी बातें करूंगा तो मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करूंगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट, ऐसा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ दीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडी करता है, आपको सिखाता है कि किस तरीके से आप अपने स्केर्स रिसोर्सेस को यूज करोगे ताकि आपका इंडिविजुअल बेनिफिट मैक्सिमम हो और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर जनरेट हो सके। हु कंट्रोल इकोनॉमिक अंडर एक्टिविटी अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी? तीन टाइप का इकोनॉमी होता है, आपको पता है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होता है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है उसका दूसरा नाम सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और इंडिया में जैसा मॉडल चल रहा है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है वहां पर गवर्नमेंट एक प्लानिंग एजेंसी बनाती है, ठीक है, और वो जैसे इंडिया में ही पहले प्लानिंग कमीशन था जिसका नाम अभी बना करके नीति आयोग कर दिया गया है ना। तो गवर्नमेंट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बनेगा, किसके लिए बनेगा, ये हर चीज देखने के लिए वो है। जैसा कि पहले रशिया में होता था, लेकिन अभी वहां भी कैपिटलिस्टिक मॉडल ही चल रहा है। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर वो इंटरफेयर नहीं कर रही है तो ये चीज जो है ये लाइसेंस फेयर इकोनॉमी कहलाता है, या इसको कैपिटल ये मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कंज्यूमर इज सोवरन अंडर, कंज्यूमर की अपनी मनमर्जी चलती है, वो जो चीज है वो फ्री इकोनॉमी में वो होता है। वैसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी में तो सोवरन नहीं होता है, मिक्स इकोनॉमी में भी होती है उसकी सोवरनिटी थोड़ी सी, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन टू जो है वही ज्यादा बढ़िया है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू, बोलता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है? तो लिमिटेड वांट्स है, ये बात तो गलत है, स्कार्स मींस है और अल्टरनेटिव यूज है, इसलिए यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, बोथ बी एंड सी। स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व जो आपको बताता है कि किसी भी कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज के इफिशियंट यूज से हम दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना, और इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। तो ये कंकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, देख रहे ना सेठ जी के पेट की तरह, बुरा मत मानना कोई। द प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू प्रोड्यूस, वॉट टू प्रोड्यूस जो है वो बताता है च्वाइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। Which of the following is related to the problem how to produce? How to produce जो है वो आपको choice of technique की बात करता है। देखो simple बात है, India, Bangladesh या African continent के कोई country जो वहां पर cheap labor surplus है तो वहां पर labor intensive technique better रहेगा। लेकिन Canada जैसा country है कोई जहां पर population कम है, लोगों का पैसा है, ठीक है, तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बढ़िया रहेगा। तो हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन पीपीसी, अगर वो पीपीसी पे इंडिकेट कर रहा है तो उसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल आउटपुट जो है वो एक्चुअल आउटपुट के, सिंपल देखो ना ऐसा है, ये पॉइंट ए ले लो, ये बता रहा है कि इनफिशियंट यूज हो रहा है, ये पॉइंट बी बता रहा है कि सही हो रहा है, जो आपका पोटेंशियल है वही आपका एक्चुअल है, और ये पॉइंट सी ये बता रहा है कि भाई ग्रोथ का चांस है। पीपीसी अगर ऐसा था ऐसा हो गया, इसका क्या मतलब है कि एक्स को बनाने में जो टेक्निक था वो बेटर हो गया। पीपीसी अगर ऐसा था और ऐसा हो गया, मतलब क्या बता रहा है कि वाई को बनाने में जो टेक्निक था वो यूज हो गया। पीपीसी अगर यहां से ऐसे आ गया, इसका क्या मतलब है कि एक्स और वाई दोनों में इंप्रूवमेंट हुआ है। और किसी कंट्री में मान लो कि कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, बाढ़, भूकंप, कोई महामारी, अभी जैसे कोरोना चला था, है ना, तो क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा, है ना, यही होता है।
इंक्रीज ग्रोथ ऑफ रिसोर्स इंप्लाइज दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होगा, अगर रिसोर्सेस का ग्रोथ हुआ है तो क्या होगा, ऐसा था ऐसा हो जाएगा, ज्यादा आउटपुट निकाल करके देगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 केजी राइस प्रोड्यूस्ड ऑन अ लैंड व्हिच कैन आल्सो प्रोड्यूस 80 केजी टन्स ऑफ व्हीट इज, तो अगर तुम राइस उगाना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 100 किलो राइस उगा लो या 80 किलो गेहूं उगा लो। तुम बोलोगे भैया राइस ही हम उगाएंगे तो 80 किलो गेहूं छोड़ दो, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, अवसर लागत, सिंपल बात है। तुम अगर अभी ये वीडियो सुन रहे हो इसका क्या मतलब है, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि तुम यूट्यूब पे और कोई म्यूजिक वीडियो टकाटक वो सब नहीं कर रहे हो, है ना, तो तुमने वो छोड़ा है तभी तुम मेरी वीडियो को देख पा रहे हो, मेरी आवाज को सुन पा रहे हो और इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। क्लियर, ये कंकेव होना क्या है, ये बताता है कि अगर स्लोप बढ़ रहा है मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो बढ़ रहा है, तुम जैसे जैसे मूव करोगे ना तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरा का ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज इंक्रीजिंग स्लोप, द शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये पीपीसी का ही दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या उसी को हम पीपीएफ भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये बता रहा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीज करने की वजह से ये कंकेव टू ओरिजिन होता है। ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल जो है उसमें क्या होता है, हम जो है पहला दूसरा तीसरा ऐसे, कार्डिनल अप्रोच क्या है 1 2 3 4, ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं मतलब फर्स्ट सेकेंड इस तरीके से रैंक करते हैं, तो इसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात होती है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, तुम कोई भी गुड और सर्विस क्यों खरीदते हो, क्यों, क्योंकि वो तुमको कुछ सेटिस्फेक्शन देता है और वो सेटिस्फेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, यूटिल्स में इसको मेजर करते हैं। When only one unit of a commodity is consumed, जब सिर्फ एक ही रहेगा तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वही टोटल यूटिलिटी के बराबर होगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो तुमने तो भाई एक ही खरीदा ही है, ठीक है, तो क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम रहेगा। बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रहा है, तुमको रोटी खाना है, तुम खाते गए एक ऐसा समय आ गया कि तुमको उल्टी हो गया, है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा पीस जिसकी वजह से तुमको उल्टी हो गया तो उसका नेगेटिव हो गया, तो वो टोटल यूटिलिटी को क्या करा देगा, टोटल यूटिलिटी को कम कर देगा। जब एमयू जीरो होगा, एमयू जीरो होगा तो टीयू मैक्स होगा, जब ये नेगेटिव हुआ इसका मतलब टीयू को ये गिरा देगा, नेगेटिव डिमिनिश करने लगेगा। बोलता है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा। व्हेन टीयू इंक्रीजिंग, टीयू इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट, तो एमयू जो है उस वक्त भी बढ़ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। व्हेन टीयू इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमयू मस्ट बी, टीयू बढ़ रहा है, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट से, है ना, यहाँ इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीज विथ डिमिनिशिंग है, तो एमयू जो है वो क्या हो रहा होगा, अच्छा हाँ इस पॉइंट के बाद एमयू गिरने लगता है, सही बात, तो यहाँ पे जीरो होगा तब ये मैक्सिमम होता है, ये इस पॉइंट पे जीरो होगा तो ये मैक्सिमम, हाँ तो उस वक्त एमयू जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है। मार्जिनलाइज यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज, सिंपल बात है, एमयू पूछ रहा है सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम हो गया तो वो जीरो होगा। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड के केस में डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप रहता है, नेगेटिव स्लोप देगा आपको। लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फॉल इन केस ऑफ गिफिन गुड, में लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता है, वहां पर वो फेल कर जाता है, और गिफिन गुड के लिए डिमांड कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप हो जाता है। इन्फीरियर गुड्स आर दोस, इन्फीरियर गुड जो है उसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, तुम्हारा आमदनी बढ़ेगा तो तुम क्या करोगे, सिंपल देखो ना, मदर डेरी का ही दूध लेने जाते हो, तीन तरह का देखते हो, एक टोकन वाला,
एक ब्लू थैली एक फुल क्रीम, तुम्हारी आमदनी अगर बढ़ गई तो तुम क्या करोगे, टोकन वाला लोगे? नहीं, तुम फुल क्रीम लेने लग जाओगे, या तुम और किसी दूसरी कंपनी पे शिफ्ट कर जाओगे जो कार्टन वाला दूध बेचती है ना। तो इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड हम क्यों खरीदेंगे, हम अच्छी क्वालिटी का ही सामान लेंगे। तुम्हारे पास पूरा पैसा है तो तुम क्या करोगे, सबसे बेस्ट एप्पल सबसे बेस्ट वेजिटेबल खरीदोगे, है ना, छटा हुआ थोड़ी ना खरीदोगे। Which of the following pair represents substitute good? Substitute good क्या होता है? जो एक के बदला में दूसरा हो, तो जैसे जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। और वैसे भी समझो, ये क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि ए है और बी है, ए का प्राइस बढ़ा, ए के प्राइस बढ़ने से अगर बी का डिमांड बढ़ जाए तो समझ लेना कि वो सब्स्टिट्यूट है ना। सिंपल देखो, चाय अगर 600 रुपए किलो है चाय पत्ती, वो अगर 2000 रुपए किलो हो जाए तो चाय पीने वाले कॉफी पीने लग जाएंगे, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। या कॉफी जो है अभी मान लो जितना भी रुपए किलो है, वो अगर 4 times 5 times इंक्रीज कर जाए उसका दाम, तो कॉफी पीने वाले क्या करने लगेंगे, चाय पीने लगेंगे, है ना। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, यूटिलिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? तो यूटिलिटी को हम लोग साधारणतः जो है वो मनी से मेजर करते हैं। ज्यादा यूटिलिटी होगा ज्यादा मनी देना पड़ेगा। डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, अभी मैंने बताया था गिफ इन गुड के लिए। इंक्रीज इन डिमांड ऑकर्स, इंक्रीज हो रहा है मतलब डिमांड कर्व ऐसा था ऐसा हो गया, है ना। तो उसका रीजन क्या क्या हो सकता है, ये सारा हो सकता है। कंप्लीमेंट्री का प्राइस कम हो गया, समझ लो पेट्रोल जो है वो 50 पैसे लीटर हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लो क्या होगा, कार का डिमांड बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाएगा तो नेचुरली डिमांड बढ़ेगा। और सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाए तो भी डिमांड बढ़ेगा। ऑल ऑफ दिस एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड रेफर टू, एजम्पशन क्या मानता है कि बाकी सारा चीज जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाए, है ना। डिटर्मिनेंट डी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई वाई टी ई, यही होता है डिमांड फंक्शन। तो ये क्या बोलता है कि ये सारे फैक्टर कॉन्स्टेंट रहे, इनमें कोई चेंज ना है, तभी तो नियम चलेगा ना। डिमांड का लॉ क्या कहता है कि दाम बढ़ेगा तो हम कम खरीदेंगे। भैया जब लगन का समय आता है सोना बढ़ जाता है, सोने की कीमत, फिर भी आदमी खरीदता है। त्योहारों में मिठाइयों की कीमत बढ़ जाती है, फिर भी लोग खरीदते हैं, कहाँ चल रहा है डिमांड का नियम, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या बोलता है कि ये सारा चीज को फिक्स करो तब बात चलेगी, है ना। तो तुमने त्योहार ला दिया तो यानी तुमने क्या किया, ये टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, हाँ उसमें चेंज ला दिया। इन केस ऑफ गिफिन पैराडॉक्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज पॉजिटिव, लॉ ऑफ डिमांड इज वायलेटेड। लॉ ऑफ डिमांड कब टूट जाता है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो तब टूट जाता है जबकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। भाई ये जो चीज है, ये जब ग्रेजुएशन कर रहे होगे उस टाइम में समझोगे कि इनकम इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, कैसे होता है, बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है, ये समझने के लिए। अभी ये समझ लो कि इनकम इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, आमदनी बढ़ना, है ना। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब हुआ कि आमदनी बढ़ा, है ना। तो हम कैसे मतलब कौन किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, फॉल इन ओन प्राइस, अब देखो अपने दाम में ले आया, है ना। तो यानी ये जो चीज है ये एक्सपेंशन का एग्जाम्पल हुआ, ये इंक्रीज नहीं होगा एक्सपेंशन होगा। सेम कर पे तुम डाउनवर्ड होगे, तुम मतलब पहले से ज्यादा खरीदोगे, है ना। तो ये जो चीज है ये क्या हुआ, अपना प्राइस अगर गिर जाएगा तो कंज्यूमर का रियल इनकम जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से तुम वो चीज ज्यादा खरीदोगे। हाँ सही बात है, परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी कमोडिटी का दाम कम हो गया तो तुम्हारा रियल इनकम तो बढ़ ही गया, और रियल इनकम बढ़ गया तो ऑब्वियसली तुम्हारा परचेजिंग पावर भी बढ़ गया। तो ऑप्शन 4, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि दाम बढ़ गया जिसकी वजह से हम कम खरीद रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है सेम डिमांड कर पे, है ना, फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व।
कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में कोई नया डिमांड कर्व नहीं बनता है। ठीक, अब फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, कंज्यूमर का आमदनी घट गया तो नॉर्मल गुड क्या करेगा, कम खरीदेगा, है ना, कम खरीदेगा। इसका क्या मतलब, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व का, डिमांड का डिक्रीज हो जाएगा, यहां थे यहां आ गए। देखो इंक्रीज का क्या मतलब होता है, इंक्रीज का मतलब होता है कि सेम प्राइस पे तुम ज्यादा खरीद रहे हो, प्राइस भी फिक्स कर दिया, देखो तुम ज्यादा खरीद रहे हो, सेम प्राइस पे ज्यादा खरीदना या बढ़े हुए प्राइस पे सेम खरीदना, उसको बोलते हैं इंक्रीज। डिक्रीज का क्या मतलब हुआ, सेम प्राइस पे कम खरीदना या घटे हुए प्राइस पे सेम खरीदना। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का दाम बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस लोग कम कर देंगे, है ना, पेट्रोल अभी महंगा हो रहा है, देख रहे हो ना, लगातार बढ़ रही है, गैस का सिलेंडर बढ़ रहा है, दिस बढ़ रहा है, दैट बढ़ रहा है ना, तो लोग जो है वो पब्लिक यूटिलिटी व्हीकल्स की ओर मूव कर रहे हैं, लोग बिजली वाला जो गाड़ी है उसको डिमांड कर रहे हैं, स्कूटी ले रहे हैं बिजली वाला, और अभी टेस्ला की नई गाड़ी आ गई है उसकी बातचीत होने लगी है। हाँ, और अभी इसी बीच में देख रहे हो न्यूज में बराबर आ रही है कोयला संकट, जिसकी वजह से बिजली की भी दिक्कत हो रही है। देखो आगे क्या क्या हो रहा है, पूरा कंट्री जो एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहा है, कैसे निकलेगा। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, बोलता है डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट हो रहा है, तो ये ओन प्राइस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का क्या मतलब हुआ, ये हुआ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आता है। स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। When the increase in consumption of one unit of the commodity TU increases from 150 से 180, तो marginal utility क्या होगा? भैया इसको minus कर लो ना, 180 में से 50 गया तो 30। In which analysis can utility be measured in definite number? 1, 2, 3, 4। ये cardinal approach है। Law of diminishing marginal utility states, ठीक है? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो ये कहता है कि जैसे जैसे किसी एक चीज को आप यूज करते जाओगे ना, इच सक्सेसिव यूनिट इज गोइंग टू गिव यू लेसर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, तो व्हेन मोर, जब आप खरीदोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बिगिंस टू डिक्रीज। गिवन द फैक्ट दैट एमआरएस बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई इज डिमिनिशिंग, आईसी क्या होगा, आईसी तो इंडिफरेंस कर्व हो गया, है ना, तो कन्वेक्स टू ओरिजिन हो जाएगा। गिवन द मनी इनकम एंड द प्राइस द लाइन व्हिच शोज ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय बाय स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम इज कॉल्ड मनी इनकम एंड द प्राइस। ये बजट लाइन के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों इतना ही था, 50 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, फिर बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।